They said to you, but God. आप माने या न माने पर यह सच है कि मेवाड़ अंचल में आज भी सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां के लोगों को आज़ादी का मतलब, गणतंत्र का मतलब और इसके मनाने के तौर तरीके की जानकारी नहीं है। उदयपुर से 25 किलोमीटर दूर मार्ग पर जावर पंचायत के तहत एक गांव है उदाईखेड़ा। वहां के दो फलों में लगभग 100 परिवार रहते हैं तथा 300 से 400 लोगों की आबादी है। उस गांव में कुछ फले में आज तक आज़ादी का मतलब लोग नहीं समझ पाए। पहली बार गायत्री सेवा संस्थान द्वारा यहां ध्वजारोहण किया गया। जन गण मन यदि नायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाता जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय। यहाँ पर आने पर मालूम पड़ा है कि यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, आंगनबाड़ी भी नहीं है, सड़क की भी प्रॉब्लम है और इसी कारण से इस गांव में आज तक कोई भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस नहीं मना पाए। हमारी संस्थान का मिशन होता है कि जिस गांव में स्कूल नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है या कोई भी सरकारी भवन नहीं है और जहां पर स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता है, उन गाँव वालों के बीच में जाकर हम ये राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। उदाईखेड़ा गांव का रहने वाले हैं हम और आज करीब 63वां साल हो गया है तो कभी इस गांव में झंडारोहण का कार्य नहीं हुआ है और हमारे यहां पे ना आंगनवाड़ी है, ना स्वास्थ्य केंद्र है, ना स्कूल है और ना रोड भी पूरा पक्का नहीं है, कच्चा है और यहां ना पुलिया है ना कोई, हमारे चारों ओर नदी का पानी है तो स्कूल में बच्चे जाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। आज पहली बार जो झंडारोहण हुआ है तो हमें पूरा गांव वालों को अच्छा लगा है और सभी खुश